सुनील जी, यहाँ इको गार्डन में शिक्षा मित्र 244 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल सांसद मोहनलालगंज लखनऊ के सांसद कौशल किशोर जी ने बड़ी तारीफ करी जितेंद्र शाही जी की। कभी शिक्षा मित्रों के नेता वो हुआ करते थे, हमने तो यहाँ लखनऊ में 244 दिन से उनको नहीं देखा है। व्हाट्सएप के नेता लोग उनको बोलते हैं और क्या क्या उनको बोलते हैं। कौशल किशोर जी ने बड़ी उनकी बातें करी। आपके तो वो रिश्तेदार रहे हैं, आपके जनपद के हैं, आपके पास के हैं, क्या हकीकत है थोड़ा शिक्षा मित्रों को बताएं। जी, मेरे बड़े भाई रंजीत सिंह ठाकुर भैया, आपका नेशनल वॉच हमारे उमा दीदी परिवार के लिए, 1,72,000 परिवार के लिए आजीवन ऋणी रहेगा। आपने बुरा दिन था तब भी दीदी के साथ रहे और आने वाला जो 18 तारीख को महाकुंभ लगने जा रहा है, जिस तरह से यह देश आज़ाद हुआ और जो लोग शहीद हो गए उनके इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख दिया गया, उस तरह का आंदोलन दीदी के नेतृत्व में होने जा रहा है जिसमें 1,72,000 परिवार तो है ही है, 17 विभाग के लोग इनको समर्थन कर चुके हैं, पूरा विश्व समर्थन कर चुका है ट्विटर पे। और मेरे बड़े भाई यहाँ के सांसद माननीय कौशल किशोर जी, आपको शायद मालूम नहीं है, आपका भी बुरा दिन आ गया है। चुनाव लड़िए, कहीं से आपका खाता नहीं खुला, कहीं से वोट नहीं मिलेगा। आप आदरणीय माननीय जितेंद्र शाही को लगाते रहिए, वो हमारा खास रिश्तेदार है और सारे रिश्तेदारों में सबसे भिखमंगा रिश्तेदार यही है जितेंद्र शाही, जिसको आप माननीय शब्द लगा रहे हैं जितेंद्र शाही, उसको आप जो है कि सराखों पे बैठा रहे हैं। और यह दीदी 1,72,000 परिवार के लिए पेट की रोटी के लिए आज 9 महीना कुछ दिनों से इको गार्डन में खुले आसमान में रह करके और आंदोलन कर रही है आपके सरकार के खिलाफ और आपके कानों तक जू तक नहीं रेंग रहा है। आपको भगवान पता नहीं आंख दिए हैं कि नहीं दिए हैं कि दीदी का आंदोलन आप नहीं देख पाते हैं, इसी इको गार्डन में आते हैं और ऐठ के चले जाते हैं। घबराइए मत, वह दिन दूर नहीं है कि आप भी जो है कि पैदल नहीं चले। आज आप सत्ता में हैं तो बड़का वीआईपी जैकेट कोट और फार्चूनर गाड़ी दिखा करके चल रहे हैं। अभी जब उतरेंगे तो न फार्चूनर दिखाई देगा और न मोदी जी वाला जैकेट दिखाई देगा। हमारे ही उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी हैं बनारस की धरती से और इस यहाँ के सांसद माननीय श्री गृह मंत्री ये राजनाथ सिंह जी हैं, उनका नहीं चल रहा है और जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं चल रहा है। हमारे मंडल के रहने वाले हैं, वो भी छत्री कुल के रहने वाले हैं, मैं भी छत्री कुल का रहने वाला हूँ, तो आपका कहाँ से चलेगा महोदय, आपका कहाँ से चलेगा? मेरे भाई बहनों को आप भ्रमित कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख बनाए रखे हैं आप लोग। आप लोग आयोग कह रहे हैं अभी 20 तक का पहाड़ा पढ़वाना शुरू कर दे तो आपको याद नहीं होगा। माननीय सांसद जी ये जान लीजिएगा, उस कुर्सी के लायक आप है नहीं, वह तो मोदी जी का एक लहर चल गया था जिसमें उस गंगा में आप बह गए। आज आप आकर के रण क्षेत्र में और दीदी के नेतृत्व में आप मांग पत्र लेकर के नहीं आए और 18 के पहले आप मांग को नहीं पूरा कराए, तो जहां से आप लड़ेंगे आपका मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी जीत नहीं होगी। आपको पार्टी छोड़ करके महागठबंधन में घुसना पड़ेगा। अगर कुर्सी चाहिए तो महागठबंधन में जाना पड़ेगा, अगर सम्मान चाहिए तो दीदी के शरणों में आइए। महाकुंभ लगने जा रहा है 18 तारीख को। एक गांधी जी तो देश आजाद करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए, एक हाथ में गीता था और एक हाथ में उनका डंडा था, दूसरी गांधी हमारे 1,72,000 परिवार में उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। ये दुर्गा की अवतार है, साथ चंडी की अवतार है और जितने भी संविदा कर्मी हैं सब लोग इस महाकुंभ में आओ, आर पार करो इस सरकार से, क्रूर सरकार से। सबका अधिकार दीदी मांगेंगी और सबको स्वतंत्र कराएंगी, ये क्रूर सरकार है। इसी के साथ मैं अपनी सुनील जी, जितेंद्र शाही जी की के लिए चंदे को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, आप उनके इतने करीबी रहे, रिश्तेदार हैं, वहीं पट्टीदार, वहीं गांव के हैं, क्या असलियत है? जी मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जितेंद्र शाही वह माननीय शब्द लगाने लायक नहीं है। 1,72,000 परिवार शिक्षा मित्र भाई बहनों का नहीं रहता तो
तो कहीं उसको विरासत में वह कुर्सी नहीं मिला है। एक भिकमंगा परिवार का है, हमारा खास रिश्तेदार है, 6 बीघा का जोतनिहार है जिसमें 3 भाई हैं, 2-2 बीघा आया हुआ है। यह चंदे के पैसे से इनोवा से चल रहा है जिससे DM साहब चलते हैं। इसके रहने के लिए घर नहीं था, खेत में घर बनाया, भाइयों से भी गद्दारी किया है और चंदे के पैसे से 80 लाख का मकान तैयार किया हुआ है। 3 साल हमारा समायोजन था, 75 जनपद में घूम करके मोबाइल ने गिफ्ट बहनों से लिया है, भाइयों से लिया है, सोने का चैन लिया है, घड़ी लिया है। ये भिकमंगा जो जो चीज़ दे दिया, इसका गणित सबसे कमजोर है, अंग्रेजी सबसे कमजोर है, इसको मदरिया पहाड़ पे बुला दीजिए 10,000 देने के लिए चंदा, तो 15,000 इसके पास से खर्चा हो जाएगा, लेकिन उस 10,000 को नहीं सुनेगा। माननीय सांसद जी यह सुन लीजिएगा, मैं उसके मूल ब्लॉक के रहने वाला हूँ और हमारे और इसके घर की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है, मेरा खास रिश्तेदार है और हमारे रिश्तेदारों में सबसे भिकमंगा यह रिश्तेदार है, उसको आप माननीय शब्द लगा रहे हैं और दीदी को कम समझ रहे हैं। भारत सरकार ने बहनों को बहुत अधिकार दिया है, आपको पता नहीं है, जिस दिन बहन पकड़ लेगी ना, शरीर टच नहीं कर पाएंगे, जेल के सलाखों में रहेंगे। माननीय सांसद जी, सम्मान देना है तो ये साक्षात दुर्गा की अवतार बहन है, इनको सम्मान दीजिए, इनको माननीय शब्द लगाइए। वास्तव में यह इस UP में हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में यह बहन दुर्गा की अवतार पैदा हुई हैं, सात चंडी की अवतार पैदा हुई हैं। 9 महीना कुछ दिन हो गया धरने को लेकर के, 244 दिन हो गया और अभी तक इनके साथ खुद ही ईश्वर हैं। पूरे लखनऊ में चारों तरफ ठंड रहता है, कोहरा रहता है, लेकिन दीदी के लिए इको गार्डन में ईश्वर ने खूब अच्छा धूप खिला रखते हैं और दीदी के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि ईश्वर इनके साथ है। यह ईमानदार है और सच की लड़ाई लड़ रही है। सत्य का विजय होता है, टाइम लगता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। महोदय, हमें तो अपनों ने लूटा, हम लोग आपके शरण में नहीं आते, हम उस परिवार के नहीं हैं कि आपके और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के शरण में जाके गिलगिलाएंगे। मैं तो दीदी को यह आंदोलन देख करके मैंने समर्थन कर दिया, नहीं तो मैं एक शायरी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय सांसद जी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, किस्मत मेरी डूबी जहां पानी बिल्कुल कम था। धन्यवाद।